हेलो फ्रेंड, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बायोलॉजी वर्ल्ड की दुनिया में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग ट्रांसपोर्टिन प्लांट के शॉर्ट नोट्स को देखेंगे जो आपके कम टाइम में रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और आज हम लोग इस सेशन में दो ही टॉपिक को देखेंगे, जो फर्स्ट आपका टॉपिक रहेगा ट्रांसलोकेशन रहेगा और सेकेंड आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रहेगा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आपके नोट्स में जो भी पॉइंट दिए हुए हैं आपके क्वेश्चन में एज इट इज़ भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए हर एक पॉइंट को आप गौर से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसलोकेशन, देखिए ट्रांसलोकेशन क्या होता है। ट्रांसलोकेशन एक प्रकार का क्या है, ये प्रोसेस है, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोसेस है। क्या कह रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टांस ओवर द लॉन्गर डिस्टेंस। क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का जो सबस्टांस का जो ट्रांसपोर्ट होता है ओवर लॉन्गर डिस्टेंस थ्रू द वैस्कुलर टिश्यू। अब वैस्कुलर टिश्यू कौन कौन से हो सकते हैं आपके सर, या तो जाइलम हो सकता है या तो फ्लोएम हो सकता है। जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, वो क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन कहलाता है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, ये क्या होंगे आपके दोनों क्या हैं, जो फ्लोएम आपका हो गया और दूसरा क्या हो गया, जाइलम हो गया, ये क्या है आपके वैस्कुलर सिस्टम बोले तो टिश्यू भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। टिश्यू है जो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं ओवर अ लॉन्गर डिस्टेंस और अ शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। और आगे बात कर रहे हैं हम, नेक्स्ट हमारा टॉपिक था मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के जो जरिया हो सकता है, कितने जरिए हो सकते हैं, चलिए आइए उनकी बात करते हैं। आप लोग को पता होगा कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपके तीन तरह के होते हैं, डिफ्यूज़न, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो चलिए उसे बारी बारी देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पैसेज ऑफ मटेरियल इन टू एंड आउट ऑफ द सेल इज कैरिड आउट बाई अ नंबर ऑफ मेथड से कैरिड आउट किया जाता है। पहला कौन सा, डिफ्यूज़न। सेकेंड आपका क्या है, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न। और सी है आपका क्या चीज़, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो चलिए हम पहले डिफ्यूज़न प्रोसेस को देख लेते हैं, डिफ्यूज़न। देखिए डिफ्यूज़न क्या कह रहा है, पहले हमारा क्या है डिफ्यूज़न, ठीक है। डिफ्यूज़न क्या है, एक तरह का ये प्रोसेस है। क्या करता है सर, मेम्ब्रेन के इस पार से उस पार क्या करता है, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कराता है, ठीक है। तो चलिए पॉइंट वाइज से देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है आपका, मोमेंट ऑफ सबस्टांस अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सबस्टांस का जो मूवमेंट होता है आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होता है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे एक आपका क्या है, मेम्ब्रेन दिया हुआ है, ये मेम्ब्रेन है। इधर जो मॉलिक्यूल्स का जो अमाउंट है, इधर अगर 10 है, इधर अगर 4 है, तो इसका जो मूवमेंट होगा, नेट मूवमेंट जो होगा आपका मॉलिक्यूल्स का, इस साइड से क्या होगा, इस साइड की ओर होगा, ठीक है। जहाँ पे अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हाई रहेगा और जहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लो रहेगा, यानी कि हाई टू लो होगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट कह रहा है, नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक प्लेस। डिफ्यूज़न प्रोसेस में किसी भी प्रकार का एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता, यानी कि कोई भी ऊर्जा का खर्चा नहीं होता है। नेक्स्ट आप अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। अगला पॉइंट आपका हो जाएगा देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, मोमेंट इज पैसिव एंड स्लो। इसका जो मोमेंट होता है पैसिव होता है और दूसरा क्या होता है, स्लो होता है। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर डिफ्यूज़ कर रहा है, अगर इसके बीच का जो अगर एरिया है कम है और पार्टिकल्स का साइज अगर ज़्यादा बड़ा है, तो डिफ्यूज़न क्या होगा, स्लो होगा। और अगर चैनल के थ्रू कराते हैं तो फास्ट तो होगा ही, इसलिए। और हमने क्या बताया आपको कि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होता है। अगर इधर मॉलिक्यूल्स का नंबर 4 है और इधर 2 है, तो किधर से किधर होगा, नंबर हाई मॉलिक्यूल्स नंबर 2, लोअर मॉलिक्यूल्स नंबर। नेक्स्ट चलिए अगला पॉइंट को देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है, इट ऑकर्स
फॉर अ गैस एंड लिक्विड, ये हमेशा क्या होते हैं, गैस और लिक्विड के लिए ही सिर्फ आकर्ष होते हैं, ठीक है, सॉलिड के लिए नहीं होगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट कह रहा है इट शोज द रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन शो कराते हैं, रैंडम मोशन, अगर इधर से पार हो रहा है तो किधर से पार होगा कोई गारंटी नहीं है इसका, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट कह रहा है नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हमने आपको पीछे ही बताया कि जो मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है आपका नोट अकर्स फॉर द सॉलिड बट अकर्स इनसाइड द सॉलिड, ये पॉइंट जो है सर आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। हमने आपको पीछे बताया कि ये क्या होते हैं, गैस और लिक्विड के लिए सिर्फ अकर्स होते हैं लेकिन सॉलिड के लिए नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है नोट अकर्स फॉर द सॉलिड, ये सॉलिड के लिए नहीं होता है, सॉलिड के लिए नहीं होता है बट अकर्स इनसाइड द सॉलिड। नेक्स्ट पॉइंट है नोट डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ सिस्टम, ये सिस्टम के टाइप पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, इफ़ द साइज ऑफ पार्टिकल इज स्मॉलर, अगर पार्टिकल का अगर साइज क्या होगा स्मॉलर होगा द पार्टिकल डिफ्यूज रैपिडली, पार्टिकल क्या करेंगे रैपिडली डिफ्यूज़ करेंगे, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ करेंगे। हमने बताया कि जो अगर पार्टिकल का अगर साइज़ अगर बड़ा होगा तो आपका जो डिफ्यूज़न का रेट होगा क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा या फिर होगा ही नहीं, वो डिपेंड करेगा कि जो आपका मेम्ब्रेन है किस प्रकार का मेम्ब्रेन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे देख लेते हैं, अब कुछ ऐसे पॉइंट जो क्या करते हैं डिफ्यूज़न के रेट को क्या करते हैं इन्हेंस करते हैं इंक्रीज करते हैं, वैसे पॉइंट को देखते हैं। क्या फर्स्ट पॉइंट कह रहा है आपका, कलर चेंज कर लेते हैं सर, इफ़ द टेम्परेचर इज हाइयर देन द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज ऑल्सो हाई, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या होगा वो भी हाई होगा। फिजिक्स की भाषा में अगर कहें तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूज़न, ठीक है, मतलब जो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो डिफ्यूज़न भी क्या करेगा बढ़ेगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है प्रेशर हाई प्रेशर हाई फेवर्स मोर डिफ्यूज़न, अगर प्रेशर हाई होगा तो डिफ्यूज़न का रेट क्या होगा बहुत ही तेज़ी से होगा। नेक्स्ट आपका है परमिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, परमिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन हम बात कर रहे थे क्या चीज़ की, परमिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, परमिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन ये इस पर भी डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे क्या है सोडियम पोटेशियम और क्या है कुछ पोलर आयन है और एक लिपिड है, लिपिड क्या करेगा मेम्ब्रेन के इस पार उस पार क्या हो सकता है पार हो सकता है, लेकिन जो आपका पोलर आयन है वो मेम्ब्रेन के इस पार नहीं हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि जो मेम्ब्रेन है वो किस तरह का मेम्ब्रेन है, पोलर डिजोल्विंग है या नॉन पोलर डिजोल्विंग है। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, लिपिड कैन डायरेक्टली डिफ्यूज थ्रू बट द पोलर्स आयन कैन नॉट डिफ्यूज बिकॉज द मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एज वी नो दैट लाइक डिजोल्व लाइक, हमने क्या बताया कि जो लिपिड है मेम्ब्रेन के इस पार उस पार हो सकता है, कारण कि जो मेम्ब्रेन होता है लिपिड का बना होता है, लिपिड बाई लेयर का बना होता है, तो लिपिड क्या करेंगे आसानी से उसमें डिजोल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ही बेस्ट पॉइंट है ये जो क्या है कि लाइक डिजोल्व लाइक, हमेशा क्या करता है लाइक डिजोल्व लाइक करता है, ठीक है। और नोट पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, द वेपर्स और वोलेटाइल सॉल्यूशन लाइक परफ्यूम पेट्रोल ऑल्सो डिफ्यूज लाइक अ गैस, ये करते हैं डिफ्यूज लाइक अ गैस के तरह ये भी क्या करते हैं डिफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है नेक्स्ट यूज ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन के कुछ यूज के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, इन अ प्लांट द गैसियस मोमेंट अकर्स ओनली अ सिंपल डिफ्यूजन, प्लांट में जो गैस का जो मोमेंट होता है क्या चीज़ के थ्रू होता है ओनली बाय द सिंपल डिफ्यूजन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ का क्वेश्चन है आपका, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है, यहाँ से आपका PYQ का क्वेश्चन बना हुआ है। और नेक्स्ट आपका पॉइंट कह रहा है विद इन द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूजन, रुकिएगा आगे पढ़ लेते हैं, डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द फोटोसिंथेसिस वेयर कार्बन डाइऑक्साइड द स्टोमाटा डिफ्यूज इनटू द लेटेक्स लीव्स
फाइनली इन टू द सेल ऑल्सो ड्यूरिंग द ट्रांसपायरेशन द वाटर एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द लीफ इन टू द इन्वायरमेंट। ठीक है, और आगे इसका क्या कह रहा है, आगे आपका पॉइंट कह रहा है डिफ्यूजन इन अ सोल्यूशन हैपन एट अ मच स्लो रेट देन द गैस, मच स्लो रेट देन द गैस। यहाँ पे थोड़ा विजिबिलिटी सही नहीं है, नहीं तो और भी आगे हम लोग देखते हैं, आज यहीं तक रहने देते हैं। बाकी हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्लांट वाटर रिलेशन, सॉरी वाटर प्लांट रिलेशन जो है टॉपिक आपका, उसको हम लोग डील करेंगे। थैंक यू, हमें लगता है कि आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूलिएगा, जो भी इसका पार्ट आएगा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा। ठीक है, बाकी हम पॉइंट वाइज कोशिश करेंगे कि आपको शॉर्ट नोट्स कराएं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और ज़्यादा व्यस्त रहिए पढ़ने में। ठीक है, बाय।